नमस्कार दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट से कुछ इसी तरह से बोइंग विमान जब उड़ेगा तो दरभंगा का वो सपना पूरा होगा जो सालों से दरभंगा देख रहा है। कुछ इसी तरह से उड़ेगा विमान और कुछ इसी तरह से सपना दरभंगा का पूरा होगा। ये दरभंगा को लेकर के हम लगातार महाकवरेज अपनी जारी रखे हुए हैं, लगातार दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर दरभंगा रॉक्स पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। और आज बात हम करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि जो तस्वीर हमें कुछ मिली है उस तस्वीर से यही जाहिर होता है कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं, खास करके सुरक्षा को लेकर के, जिस पर के आप लोगों को भी इसको जानना जरूरी है। और वो सुरक्षा कैसी है इसी पर बात करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जो है उसकी जो चार दीवारी है वो चार दीवारी को हमने देखा और उसकी कुछ तस्वीर ऐसी आई जिससे पता चलता है कि इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियों को या फिर दरभंगा के प्रशासन को या एयरपोर्ट के प्रशासन को इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा का स्तर क्या है। तो इसको जानने के लिए हम पिछले महीनों गए थे, दरभंगा एयरपोर्ट को देखा था, वहां के रास्तों को से होते हुए हम गुजरे थे और मुख्य रास्तों के पास, यहाँ से देखिए, यहाँ से मुख्य रास्ता शुरू होता है, ये अंदर जाने का रास्ता है और ये उसके बराबर में एक सड़क के किनारे एक कंक्रीट की रेलिंग शुरू होती है। यही रेलिंग यहाँ से स्टार्ट होता है और ये सुरक्षा दीवार है एक तरह से, जो कि ये बनाया गया है बरसाती नाले से बचने के लिए। और ये जो है वो एयरपोर्ट का जो है चार दीवारी है और ये चार दीवारी कितनी नीचे है इस बात को आप तस्वीर में बखूबी देख सकते हैं कि बाउंड्री की जो दीवार है वो बहुत नीचे है और उसके ऊपर जो है वो चढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से एक हाईवे है, हाईवे के बगल में एक बरसाती नाला है जो सूखा रहता है आम दिनों में, लेकिन बरसात के दिनों में ये नदी नुमा हो जाता है। ठीक है, बरसात के दिनों में यहाँ पर अब सुरक्षा हो सकती है, लेकिन जो है सूखे के टाइम में क्या यहाँ की सुरक्षा फुल प्रूफ है, क्या ये दीवार पर्याप्त है कि यहाँ की सुरक्षा जो है वो ब्रीच ना हो, तो ये सवाल अहम उठता है। क्योंकि यहाँ से हाईवे से बिल्कुल जो है वो रनवे साफ साफ दिखता है और दीवार है, दीवार के ऊपर एक बाड़ लगा है, कांटे का बाड़ है और ये इस बाड़ को तोड़ना या काटना पता नहीं कितना आसान है नहीं है, ये तो सवाल उठता ही है। और हालांकि जब सांसद महोदय अधिकारियों से मिले थे, एयरपोर्ट अधिकारियों से, तो ये बात सामने आई थी उस वक्त कि बस स्टैंड का मुख्य प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग एक समस्या है वहां से, क्योंकि उसके ठीक बगल में है, जिसे बदलने का आग्रह किया था अधिकारियों ने सांसद से कि, और हमने दिखाया भी था आपको कि किस तरीके से जो है वो बस स्टैंड बिल्कुल बराबर में है, वहाँ से बसें निकलती हैं, दिल्ली के लिए बसें जाती हैं, लंबी दूरी के लिए निकलती हैं, यात्री लोग आते हैं, शहर से आते हैं और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी यहीं से गुजरता है, बिल्कुल इसी मुख्य चौराहे से गुजरता है। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो सुरक्षा को लेकर चिंता रहेगी और ये जाहिर भी किया है एयरपोर्ट अधिकारियों ने कि यहाँ पर ये दिक्कत है बस स्टैंड को लेकर के। लेकिन वो समस्या जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है वो है ये चार दीवारी। ये चार दीवारी बहुत नीचे है और हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है, बीच में एक बरसाती नाला है जो सूखा रहता है, तो यहाँ पहुँचना जो है मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई यहाँ से पार करके अगर एयरपोर्ट के अहाते में चला गया या रनवे पे चला गया तो क्या होगा, इसका एक बड़ा सवाल है। और ये दिसंबर में शुरू होने जा रहा है सांसद महोदय के आश्वासन के अनुसार, तो अगर दिसंबर में ये शुरू होगा और इतना वक्त भी नहीं है कि इस चार दीवारी को ऊंचा किया जा सके या इस पर कोई ऐसी चीज लगाई जा सके, तो आखिर ये समस्या कैसे सॉल्व होगी, इसका समाधान निकालना जरूरी है। क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो संवेदनशील जगह है, खास करके दरभंगा एयरपोर्ट हमेशा से संवेदनशील रहा है क्योंकि ये एयरफोर्स द्वारा संचालित है, तो इस तरीके से इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल अहम है और इस पर ध्यान देना प्रशासन को जरूरी है, एयरपोर्ट प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, सरकार को इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में
ये बहुत बिजी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस बात को आप तय मान लीजिए कि एयरपोर्ट बहुत बिजी होगा और शायद ये पटना को भी पीछे छोड़ दे। तो ऐसी स्थिति में इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट की सुरक्षा अगर इस तरह की होगी तो इसका असर यात्रियों की सुरक्षा पर होगा और कल को कोई अनहोनी ना हो, इसलिए हम ये रिपोर्ट आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन तक अगर ये बात पहुंच रही है तो ये बात सुने कि आखिर और इसका समाधान निकाले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।